अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक नया दिन शुरू करते हैं एक नए व्लॉग के साथ में। तो जी सुबह सुबह मैंने वॉक करा था। बाकी आप लोगों को थोड़ा आज के व्लॉग के बारे में बता दूँ, वैसे तो आप लोगों ने क्लिप्स देख ही ली होंगी, लेकिन आज का जो व्लॉग है ना वो मिक्स होने वाला है। फैमिली गैदरिंग भी है, शॉपिंग व्लॉग भी है और यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों ने इसमें व्लॉग में पैकिंग भी करी है। क्योंकि अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो तो आप लोगों को पता होगा हमारी कज़न जो है वो अब यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं। हम लोगों ने हाफ शॉपिंग जो थी वो पहले करी थी और हाफ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरा भाई जो है यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा था और ये इसकी वाटर बॉटल मुझे बहुत प्यारी लगी थी और यहाँ पे सारा सामान जो है वो फिलहाल हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया था ताकि हम लोग इसको पैक कर सकें, बिस्तर वगैरह सारी चीज़ें। और बीच में हम लोगों ने चाय पी थी और फिर अम्मी ने सारा सामान पैक करा था और मैं किचन में आ गई थी। और यहाँ मैंने अपने भाई के लिए बनाई थी ये सौंफ वाली भोर, आई डोंट नो आप इसे क्या कहते हो। इसके अंदर ज़्यादा क्वान्टिटी में सौंफ हैं, थोड़े से हम लोगों ने इसके अंदर बादाम डाले थे और बिल्कुल थोड़ी सी इसके अंदर सफ़ेद वाली मिर्च डाली थी। सफ़ेद वाली काली मिर्च बोल रही थी। और इसके अंदर ना मीठे के लिए हमने मिसरी डाली थी क्योंकि बच्चे जब हॉस्टल जाते हैं तो वो उधर उधर से ना जंक तो खा ही रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने हेल्दी दे दिया था। बाकी ये वाली बोतल मैंने आपको दिखाया, बहुत प्यारी लगी थी। इस वक्त जो है ना टूथपेस्ट सारी चीज़ें, कपड़े, शूज़, बैग, जो भी चीज़ें हमें जहन में आ रही थी ना वो हमने सोचा इकट्ठी करके रख दें ताकि फिर ना इजीली हम लोग इसको साथ साथ में पैक करते चले जाएंगे। यहाँ पर शू पॉलिशेज हैं, शूज़ हैं, शैम्पू है, तेल है, बर्तन है और फाइनली जो हमारी भोर थी ना सौंफ वाली वो भी पैक हो चुकी है। अच्छा ये आइस के लिए बहुत अच्छी होती है, तो अगर किसी को आई साइड का प्रॉब्लम हो तो वो खा ले, मुझे खाने का दिल ही नहीं करता। ये है हमारे भाई का बैग और ये वाला रजिस्टर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल बहुत गंदा लगा है मुझे। खैर मैं तो आ गई थी किचन में और मेरी मम्मी ने बाकी की पैकिंग करी थी। तो यहाँ पर बन रहा है व्हाइट सॉस पास्ता जो कि मेरे भाई का फेवरेट है। ये सिंपल सा पास्ता है और इसकी रेसिपी जो है वो हमारी क्रिएटेड है, देसी वाली रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी ये नहीं है। बट इससे अगर बनाओगे ना इससे भी बहुत मज़े का आपका पास्ता बनता है। ऑयल के अंदर मैंने ऐड किया था गार्लिक, उसके साथ में प्याज और ये हरी वाली मिर्च। बाकी अगर आप लोगों ने ये चीज़ें ऐड नहीं करनी, सिंपल ऑयल के अंदर भी आप लोग जो है ना ये मैदा डाल के इसको चम्मच चला सकते हो। अच्छा इसके अंदर आई थिंक 3 चम्मच मैंने मैदा डाला था और उसके बाद इसके अंदर ना मिल्क ऐड करना होता है, ठीक है, मीठे वाला दूध ना ऐड कर देना। अच्छा अगर आप लोग इसके अंदर क्रीम या चीज़ ऐड करने वाले होते हो तो थोड़ा सा दूध ऐड करना होता है, बाकी आप पानी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम उनमें से कोई चीज़ ऐड नहीं करने वाले। तो हम लोग इसके अंदर ना अच्छे से गाढ़ा सा ना मिल्क ऐड करेंगे। आप लोगों ने दूध इतना ऐड करना है कि फिर आपको जो अच्छी सी सॉस की कंसिस्टेंसी मिल जाए, लेकिन शुरू शुरू में नहीं मिलेगी, थोड़ा आपका ये सॉस जो है वो पतला होगा, उसको पकाओगे तो वो फिर ना पक्का भी हो जाएगा और साथ ही उसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक सी हो जाएगी। यहाँ पर ना हम लोगों ने बनाने के लिए मैक्रोनी यूज़ की थी, पास्ता हमने नहीं यूज़ किया था क्योंकि एक तो इजीली वो मिलता नहीं है, दूसरा हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। उसको बॉईल करने के लिए भी आप लोगों ने पानी के अंदर नमक और ऑयल ज़रूर ऐड करना है वरना फीका फीका सा हो जाएगा। अभी ये दूध वाला जो सॉस हमारा रेडी हो चुका है तो इसके अंदर हम फ्लेवर के लिए डालेंगे नमक, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च। चिली फ्लेक्स कम थे हमारे इस बार और पाउडर चिली ज़्यादा थी, इसलिए ना थोड़ा सा इसका कलर भी रेडिश हो गया था, वरना बहुत प्यारा लगता है वाइट कलर का और इसके अंदर वो चिली फ्लेक्स। एफिशिएंसी मारनी हो तो आप लोग इसके अंदर बेल पेपर और बेबी कॉर्न डाल सकते हो, ठीक है, वरना ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करा है और थोड़ा सा इसको पकाते रहेंगे तो ये सॉस भी गाढ़ा हो जाएगा और मज़ेदार सा आप लोगों का पास्ता भी रेडी हो जाएगा। ये रेसिपी आप लोगों ने ट्राई करनी है तब जब घर पे कुछ भी ना हो, मैदा लो, थोड़ा सा मैक्रोनी लो, दूध ऐड करके मज़ेदार सा पास्ता बना लो। और शुक्र है कि मेरे भाई को ये पास्ता पसंद आ गया था। फिर हमने तैयारी करा के अपने भाई को अल्लाह हाफिज़ बोला था। बाकी मेरे भाई को कमेंट्स में आप लोगों ने गुड लक विश कर देना है। यह जी रात का टाइम और मेरी कजिन्स जो है वो अंडा बना रही थी और मैं इनके पास आ गई थी और मैंने कहा था तुम अंडा बनाती रहो, तुम्हारे जो ब्रेड है वो मैं लेके जा रही हूँ, तुम्हारा ऑमलेट बनना ही नहीं है। फिर मेरी कजिन खा रही थी दूसरी वाली नूडल्स, तो मैंने इससे नूडल्स का बाउल भी छीन लिया था, मैंने कहा था ये मैं खाऊंगी। खैर मैं इनसे कुछ भी छीनने नहीं आई थी, यहाँ पर मैं आई थी नेट लेने के लिए क्योंकि ऊपर जो था वो ऊपर वाले पोर्शन में नेट का कनेक्शन और है वो चल ही नहीं रहा था। फिर मेरी कजिन ने बोला चाय पियोगी, मैंने कहा हाँ एकदम कड़क वाली चाय पिला दो, तो उसने मुझे चाय पिला दी थी और बदले में मैंने उसे पूरा नावल सुना दिया था, गेस करो कौन सा सुनाया होगा। और जी ये हमारा नेक्स्ट डे है और ये है हमारी फैमिली की पिक्चर जो कि मेरे भाई ने बनाई थी, मेरे भैया की शादी वाली, और दूसरे भाई ने इसको ड्रॉ किया था, आई थिंक मैंने पिछले व्लॉग में एक बार शेयर करा था। खैर आज संडे है तो मैंने सोचा एक मज़ेदार सा दिन गुजारेंगे, रिलैक्स करेंगे, अपना रीसेट डे बनाएंगे और मज़े करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों में करी जंपी ऑयल के साथ में और यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था। ऑयल जो है वो आप लोगों को चेंज करते रहने चाहिए ऐसा मैंने किसी से सुना था। ज़्यादातर मैं नारियल वाला तेल लगाती हूँ जिसके अंदर होता है कैस्टर ऑयल और विटामिन ई। कैस्टर ऑयल की क्वांटिटी आपने कम रखनी है।
थोड़ा सा ऑयल्स के बारे में और हेयर केयर के बारे में इन्फॉर्मेशन है, स्किन केयर बॉडी केयर के बारे में मुझे बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। खैर उन पर मेरे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, एक ना एक दिन मैं कामयाब भी हो जाऊंगी। खैर यहाँ पे मैंने अपने पाँव की डेड स्किन रिमूव करने के लिए गर्म पानी में अपने पाँव डिप करे थे और फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और फिर ये ना शाम के टाइम पे हमारी कज़न आई हुई थी तो भाभी ने बनाया था मज़ेदार सा पुलाव। मेरी भाभी बहुत ही मज़े का पुलाव बनाती हैं और जब कज़न्स के साथ में बैठ के इंजॉय करो ना पुलाव को तो एक्स्ट्रा ही मज़ा आता है। हमें अम्मी ने कहा था कि चेयर्स ले आओ चार पाइप के ना, साथ में आप लोग बैठ के ना ये खा लो। तो हमने कहा था नहीं हमें मज़ा ही नहीं आना, तो हम लोग नीचे बैठ के खाएंगे। और फिर ये हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ली थी जो हमसे खुली नहीं रही थी, तो हमारी एक मज़बूत कज़न ताकतवर कज़न ने जो था इसको खोला था, जो कि नज़र आने में बिल्कुल भी मज़बूत और ताकतवर नहीं लगती। यार नीचे बैठ के खाना और थाल के अंदर से चावल खाने का ना एक अलग ही मज़ा होता है। प्लेट्स में खाने का मज़ा आता होगा नहीं आता होगा आई डोंट केयर, लेकिन जो थाल के अंदर खाने का मज़ा होता है वो एक अलग ही मज़ा होता है। साथ में मिलके खाओ और मज़े करो। और इससे तो हमारी बचपन की मेमोरीज़ भी जुड़ी हैं। हम लोग जब भी नानी के घर जाते थे तो हमारे चावल बनते थे और वो चावल हम थाल में बैठ के खाते थे। ब्लू कलर का थाल होता था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। सो यहाँ पर हम लोगों ने इसलिए बैठ के इन्जॉय करे थे अपने राइस जो कि बहुत मज़े के थे। उसके बाद अब्बास ने अपना पटारा खोला था, ये इसकी यूनिवर्सिटी की तैयारियाँ शैयारियाँ हैं, तो ये अपने फ्रेंड्स को दिखा रहा था, मतलब हमारी कज़न्स को ही दिखा रहा था। बाकी अब्बास की तरफ से मैसेज सुन लो। यूनिवर्सिटी वाले कोई ब्लॉग देख रहे हैं तो जब मैं ये शर्ट पहन के आऊँ फिर मेरी कोट उतार के इसका बैक नहीं देखिएगा, थोड़ी सी फट गई। अचानक से मुझे ख्याल आया था कि मैं तो अच्छा सा तैयार हो रही थी और फिर मैंने शूट ही नहीं करा, और फिर मैंने थोड़ा सा शूट करा, फिर मैंने शूट करा ही नहीं। अच्छा यहाँ पर चल रही है जी कपड़ों की सिलाई कटाई, क्योंकि हम लोग ना ज़िलहज में नए ड्रेसेस लेते हैं पहनते हैं और उसके बाद सीधा हम लोग रबीउल अव्वल में ही लेते हैं और पहनते हैं, तो उसी चीज़ की तैयारी चल रही थी। और यहाँ हमारा नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है, तो नेक्स्ट डे मैंने खाया था अंडा नाश्ते में। इतने टाइम के बाद मैंने अंडा खाया था कि अंडा खा के मुझे मज़ा आ गया था। आप लोग नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, मुझे भी कोई और ऑप्शन मिल जाएगा और फिर मैं उसे ट्राई ज़रूर करूँगी। खैर आज हम लोगों ने जाना था अगेन शॉपिंग पे, क्योंकि हम लोगों को ना कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी कज़न्स वगैरह की जो कि यूनिवर्सिटी जाने वाली हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी और कुछ मेन चीज़ें थी जैसे शूज़ और बैग। सो हम लोग आए थे कोटछुट्टा बाज़ार, क्योंकि यहाँ पे जो है वो शूज़ काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, चाहे वो प्राइस के लिहाज से हो, डिज़ाइंस हो या फिर इनकी क्वालिटी हो, वो अच्छी मिल जाती हैं। तो हमें यहाँ पे स्नीकर्स काफ़ी अच्छे मिल गए थे। अब आप लोगों ने प्राइस भी गेस करनी और ये भी गेस करनी है कि हम लोगों ने कौन सा लिया होगा। खैर बच्चों के अपने ही मसले थे, कोई कह रहा था कि ये वाला डिज़ाइन मैंने पहन रखा है तो मैंने ये वाला नहीं लेना, ये वाला इसलिए नहीं लेना। और मुझे ना सारे ही डिज़ाइन जो थे वो यहाँ के बहुत प्यारे लग रहे थे, और ये बटरफ्लाई वाला भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। और जो मुझे प्यारा लगा यहाँ पर ये बो वाली शूज़ थी, बट ऑलरेडी मेरे पास ये दो कलर्स में है तो मैं एक ही डिज़ाइन की इतनी सारी शूज़ इकट्ठी नहीं करने वाली। खैर हमें यहाँ से ना बैग भी बहुत ही प्यारे मिल गए थे, क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी और इनके अंदर जो ना जिप वगैरह थी ना वो ज़्यादा थी, तो वो वाला जो होता है वो काफ़ी अच्छा रह जाता है। और ये मुझे इतना मज़े का लग रहा था, मेरा दिल कह रहा था मैं ले लूँ और मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊँ, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी जाने का कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है, ठीक है ना। मुझे यूनिवर्सिटी में भी ना वो 3 महीने की छुट्टियाँ मिलनी है ये वाला शौक होता था। फिर यहाँ हमें कुछ पिंस नज़र आई थी जिनमें से मुझे एक भी पसंद नहीं आई थी। बच्चों ने कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी जहाँ से मैंने कैचर वगैरह परचेज़ किए थे। फिर हमें भूख लग गई थी और हमें एक जगह पे नान पकोड़ा नज़र आया था, तो हम लोग आ गए थे नान पकोड़ा खाने के लिए। इनका ही नान पकोड़ा जो था वो इन्होंने फ्रेश फ्रेश बना के दिया था, चटनी भी बहुत मज़े की थी, चटनी की क्वान्टिटी भी अच्छी थी, बट ये नान पकौड़ा थोड़ा क्रिस्पी था। हमें पर्सनली सॉफ्ट वाला पसंद है, मे बी सबको क्रिस्पी पसंद आता हो, इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बट फ्रेश था, अच्छा था, मज़ा ही आ गया था। और उसके बाद हम लोग दोबारा से गए थे शूज़ लेने के लिए, क्योंकि बच्चों जो थे ना एक ही बार सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, तो बाज़ार के दो चक्के लगाने के बाद फाइनली लोगों को अपनी पसंद के अपने मनपसंद शूज़ जो थे वो मिल गए थे। यार आप लोगों को अभी जो सारी चीज़ें हम लोगों ने खरीदी थी वो देखना है तो कमेंट करना है, तभी मैं आप लोगों को वीडियो दूंगी, ऐसे मैं नहीं देने वाली, ठीक है ना। सो यहाँ पर बच्चों ने शूज ट्राई करे और ये ब्लैक वाला जो था ना बटरफ्लाई वाला, दूसरी साइड से इसके जो मोती शोती थे ना वो नजर ही नहीं आ रहे थे, मतलब ये डिजाइन था बट मुझे थोड़ा अजीब लगा। खैर आज का दिन पूरा जो था वो बहुत ज्यादा बिजी था, क्योंकि दिन के कुछ घंटे जो थे वो हम लोग बाज़ार में देख रहे थे। खैर हमें सारी चीज़ें मिल गई थी, इस चीज़ की मैं बड़ी खुशी थी। तो फिर मैंने ना कुरान पाक रात में ही पढ़ लिया था और उसके बाद मुझे लगा मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैंने एक दो पेजेस झालिम के भी पढ़ लिए थे। और यहाँ पे मैं बहुत स्लो जा रही हूँ, लेकिन अच्छा है मेरे बाकी काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें मैंने प्रियोरिटाइज़ किया है, तो अच्छा चल रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। ओके जी, ओके, बाय बाय।